बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़, और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज अम्मी लोग आ रहे हैं। चलो ले आओ जल्दी जल्दी। तो खाने की तैयारी सारी साफ सफाई मैंने कर ली है और अब खाने की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। अम्मी जी और बाजिस्मेरा जो है, बाजिस्मेरा ने सुबह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। अम्मी जी और बाजी से मेरा लहसुन प्याज काट रही हैं और अब मैं बाहर आई हूँ लहसुन लेने यहाँ से, तो सोचा कि अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, लेने और अब्बास लेने मुर्गा लेने, अम्मी जी लहसुन प्याज कर रही हैं, बाजी जो है ना वो लहसुन छीन लेंगे अम्मी जी ने। अम्मी जी कितने वास्ते बस बड़ा है ना इन्हें? अच्छा जी, अब्बास मुर्गा लेके आ गए हैं और अम्मी जी ने लहसुन प्याज है ना कर दी। माशाल्लाह, हाँ जी अब्बू जी तुसी आखो ना ज़िबा कर दें। छोड़ देना उस उधर में, छोड़ देता सी अब्बू ने पकड़ा हाथ से, तो फिर बस अब्बू जी आ गए ने। ਪਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਆ ਫਾਲਸ ਜੈਸੀ ਮੁਰਗਾ ਫਾਲਸ ਜੈਸੀ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜਾ ਤਵਾ ਕਰ ਮੈਂ ਛਲਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਨੀ ਹੱਕ ਸੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਧੋ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਕਾਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਤੇ ਹੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ताकि हमारा जो चिकन है मतलब चिकन गोश्त अच्छे से बॉईल हो जाए, और उसको ढक के तो चूल्हे पे रख लेती हूँ, तो बाकी के काम जो है ना बहुत जल्दी से निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने देसी मुर्गा जो है ना वो बॉईल होने के लिए और ये मसाला बना लेती हूँ दूसरा मुर्गा बनाने के लिए। अम्मी जी इस चूल्हे से पकते हैं ना फिर देसी, इधर फिर दूसरा रख लेनी है, फिर बाकी चिकन ले होने चावल वास्ते। अच्छा जी, ये मैंने प्याज है ना बारीक बारीक काट लिए हैं, तो आप देखिए कि बाहर से लहसुन, ये है जी लहसुन एक दो, बस ये दो काफ़ी हैं। अब इनके गट्ठे बना के रखने, टाइम नहीं मिल रहा, अम्मी जी कहती हैं कि गट्ठे बना के रखने। अच्छा जी, अम्मी जी मेरे पास ही बैठी हैं, अम्मी जी लहसुन छील लिया, मैंने प्याज काट लिए हैं। इस चूल्हे पे जो है ना दूसरी हांडी रख लेते हैं, गोटली और बॉयल हो रहे तो अब उसके देसी की तो चावल नहीं बना ना मसाला पाए। अच्छा जी, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, अम्मी 10 मिनट के बीच गल गए। अम्मी जी ने पहले नमक ऐड किया हुआ, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लाल मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कूटी हुई लाल मिर्च ये थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, और साथ में कूटा हुआ धनिया और जीरा पाउडर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, जीरा मसाला इसको अच्छे से पीस लेती हूँ कुंडे में, हाँ जी भाभी जी। अच्छा जी, अब अड्डे पे गए थे, आ गए हैं वापस। ए बाजी, बाल अब किने बाले हैं?
बाबू दस दा। हाँ जी अभी दोनों अब बहुत ज़्यादा दस दा। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी हमारे गोश्त की देखिए बनाई हो चुकी है। ये मैंने पानी जो है ना वो हमारा गोश्त गल चुका था, मैंने पानी जो है अलग कर लिया था, ये ऐड कर लेती हूँ। बड़ा है ना हूँ तो। तो। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, तो बाद में चावल चिकन पुलाव। तो जी आटा मैंने छन्नी के साथ छान लिया और अब फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। तकरीबन 3:30 बज चुके हैं, तो अब मुझे लोग भी अभी वहाँ से नहीं चले, उनके आते आते 4:30 बज जाएंगे। तो शाम का टाइम हो जाए, शाम का खाना थक जाएंगे इंशाल्लाह। जी आग मैंने जला रही, आटा मैंने गूंद लिया, अब चावल के लिए अच्छा भी मेहमान भी पहुँचने वाले हैं तकरीबन। दूसरा आ गया मंसूर भाई, आ गया। चलो शुक्र। हाँ जी परी परी कर देते हैं। मुर्गे सालन बन गया? हाँ जी। कसरी बन चुका है ना? हाँ जी बस भाभी जी अपना आटा में बोल ले, सिर्फ चावल बना कुछ रोटियाँ बना। बस ठीक है, कम सारा खत्म। साथ ही मैं ऐड कर रही थी हरी मिर्च और लाल टमाटर। अच्छा साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही थी चिकन, ताकि ये साथ ही फ्राई हो जाए अच्छे से। सारा चिकन ऐड कर रखी अच्छे से कर लेते हैं, साथ इसमें चिकन के अच्छे से बनाई हो जाएगी। सारा काम खत्म हो गया, बस चावल रहते हैं और अब रोटी चावल बना के फिर। अच्छा जी अब जी खड़े मसाले, जीरा पाउडर, जीरा मसाला और ये छोटी मोटी चीज़, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। भाई भी आ गए हैं और सुबह काम भी जल्दी से फटाफट निपट जाएगा। ऐड करिए सबसे पहले नमक, लाल मिर्च का पाउडर, चटनी नाल हल्की। हाँ जी ज़्यादा मिर्चा नहीं खाते, अभी भी नहीं खाते ज़्यादा मिर्च। धनिया पाउडर, हल्दी, हल्दी। अच्छा चलो अच्छी सारी मिक्स।
बना बना ला फिर जल्दी घर यार बना लो ते फिर मैनु मैं चाय देवा जल्दी चाली बोरिया चेता आ गया मैं भी चाय कितनी देर आ गई हमारा भी हमने बना लिए और पापी क्राफ्ट पटपट में रखने लगी मेहमान भी आ गए हाँ जी एवं रख लो सारिया गर्म रहन दिया इंज रख लो बस करो भाभी जी बस 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 हाँ जी फिर ड्राइवर भाई जड़े ना उन्होंने फिर अलग ध्यान देना हाँ जी बस करो ये वैसे इतने इतने कवर कर दो इन्हों इन्हों इतने कर दो ढक्कन दे दियो बस अच्छा भी मेहमान पहुंच चुके हैं तो समान सारा तकरीबन तैयार सारी चीज़ा आ गई हम लिखाने टेबलों पर मैं भी सर थक तो नहीं गई थक तो नहीं गई ज़्यादा पक्का फिर ठीक है हाँ जी अच्छा कोई नहीं पक जाएगा पुत्र भी एक होनी दो नाल वैसे रख दे हाँ जी फ्रूट अस उंगली नहीं लाते नहीं खावे जरा खाना बनाया सारा खा देना बाकी पा के ला जाना ठीक है दिल रखी था मैं बस के सुनो ना नाम रहा सुनो चोर तो आई जाएगी मसला तो अड़ती है नहीं पहला दी है मिस्त्री भाई एक दफा आया सी मैं उन्हें क्या सी उन्हें कैसे से टाइम लगना बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं लगवा देना
अच्छा जी, शाम का टाइम हो चुका है, अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है और खाना बिल्कुल तैयार है और